दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी रैलियों का दौर भी बढ़ता चला जा रहा है। सभी दल अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी रैली में उतारकर जनता को अपने पक्ष में लुभाने में जुट गए हैं। मंगलवार को पीएम मोदी और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ चुनावी रथ पर सवार होंगे। पीएम मोदी दिल्ली के द्वारका में रैली करेंगे तो वहीं योगी दिल्ली में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस भी अंतिम चरण में अपना पूरा जोर लगा रही है। मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली में जनता का मन मोहने निकलेंगे तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कई चुनावी रैली को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अमित दुबे का। अमित, कल हमने देखा कि किस तरह से तमाम चेहरे दिल्ली की चुनावी जमीन पर नजर आए थे और एकाएक करके आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और आज यही तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिलेगी दिल्ली विधानसभा चुनावों की। जी बिल्कुल, देखिए अगर यूपी सीएम की बात करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 2 रैलियां हैं और दोनों रैली जो है वो किराड़ी के यहाँ पे किराड़ी में होने वाली है और मयूर विहार पटपड़गंज में होने वाली है। और उत्तराखंड सीएम की बात करें तो उनकी भी आज 3 रैलियां हैं, चाहे जंगपुरा की बात करें, अरविंद नगर की बात करें, अरविंद नगर सहित 3 रैलियां आज जो है वो उत्तराखंड सीएम की होने वाली है। और 3 बजे से 7 बजे तक उत्तराखंड सीएम का प्रोग्राम है जबकि योगी की पहली रैली 11 बजे और दूसरी रैली 2 बजे है। और कल योगी आदित्यनाथ जो यूपी सीएम है उनकी कल रैलियां नहीं है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री की भी दिल्ली में कल भी रैली हुई थी और आगे भी प्रधानमंत्री की रैली सुनियोजित है। और खुद गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यहाँ तक कि मायावती भी मैदान में आने वाली है क्योंकि मायावती का जिस तरह से स्टेटमेंट आया कि उनकी पार्टी जो है दिल्ली में मजबूत स्थिति में और उम्मीद है कि उनके प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीतेगी, तो इसे लेके खुद बसपा सुप्रीमो मैदान में आने वाली है। राहुल गांधी की भी 2 रैलियां होने वाली है, राहुल गांधी जाहिर तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार पहले पिछले चुनाव से लगातार बिल्कुल, यानी कि अमित कोई पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर यह है अमित कि आज दिल्ली के चुनावी रण में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वार पलटवार यहां पर भी देखने को मिलेगा। और मनमोहन सिंह को जैसा कि जाना जाता है कि ज्यादा वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन आज दिल्ली के विधानसभा चुनावी रण में जब उतरेंगे तो काफी कुछ यहां से बोला जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरह देखो प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं वो काफी आक्रामक होता है। कल भी उन्होंने शाहीन बाग की चर्चा की, किस तरह के देश के लोग ही शाहीन बाग बना रहे हैं। और मनमोहन सिंह की जहां तक बात करें तथ्यों पे आधारित बात करते हैं, वो बहुत ही सोच समझ के अपनी चीजों को रखते हैं। हालांकि इस बीच जिस तरह से अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियां होने वाली है तो जाहिर तौर पर उन रैलियों में इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ नहीं है, कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। लेकिन ऐसे में जो कांग्रेस का पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खुला था, तो कांग्रेस के लिए जरूरी है कि अपने आप को मेंटेन करना। और दिल्ली जैसी जगह जहां पे 15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, और ऐसे में कांग्रेस को अपने आप को जिंदा रखना भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल अमित, जैसा कि पहले जानकारी थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो फायर ब्रांड नेता है और हर चुनावों में नजर आते हैं और बीजेपी जमकर उनको भुनाने की कोशिश करती है, 4 फरवरी यानी कि आज तक ही उनके कार्यक्रम है, जनसभाएं हैं, रैली है, लेकिन क्या इन दिनों जो भी चुनावी रैली जो भी जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए की गई हैं, बीजेपी को क्या दिल्ली में फायदा पहुंच सकता है, इससे फर्क पड़ा है कुछ इसका? जी बिल्कुल, देखिए खास बात ये है कि योगी की रैलियों में जिस तरह से भीड़ हो रही है, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संशय में, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को कहा गया है कि योगी की रैलियों पर प्रतिबंध लगाया जाए और योगी को बैन किया जाए। हालांकि योगी के आज 2 रैलियां हैं, कल योगी की कोई रैली दिल्ली में नहीं है और परसों जो है वो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा, तो जाहिर तौर पे ऐसे में योगी को बैन करने से पहले ही योगी का कार्यक्रम लगभग में खत्म हो चुका है। बाकी सीएम की बात करें, उत्तराखंड सीएम या अन्य से मुख्यमंत्रियों की उनकी रैलियां यहाँ पे लगाई गई है, लेकिन योगी की रैलियों में जिस तरह से भीड़ हो रही, लोग उन्हें उत्साह से सुनने आ रहे हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, तो जाहिर तौर पर इसका असर जो है लोगों के बीच दिखाई देता है। चलिए, धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में आज कई चेहरे नजर आएंगे और एक दूसरे पर हुंकार यहां पर भरी जाएगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से यहां पर देखा जाएगा।